हेलो फ्रेंड, दिस इज मिस्टर मरदा बैक विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपनी गैलरी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इजी है। जैसे कि आप वीडियो बहुत से देखते होंगे, लेकिन उनमें आपको बताते हैं कि ऐप कोई डाउनलोड करनी पड़ती है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है। तो आप इस वीडियो में एंड तक देखिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद है तो इसे भी लाइक कीजिए। दोस्तों, जैसे कि मैं व्हाट्सएप निकाल के आपको स्टेटस की चीज एक दोस्त का दिखा देता हूँ, ये वाला। हाँ, तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपनी फाइल में। फाइल मैनेजर होगा या माई फाइल होगा, तो मेरे यहाँ पे फाइल है तो मैं इसे ओपन करूँगा, आपको भी ओपन करना होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा लोकल में। तो यहाँ पे आपका मेरा इंटरनल स्टोरेज लिखा है, किसी का डिवाइस मैनेजर लिखा होता है, तो डिवाइस स्टोरेज लिखा होता है किसी का, तो आपको डिवाइस स्टोरेज में या इंटरनल स्टोरेज ओपन करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन मीडिया का होगा, उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको पहले नंबर पर ही स्टेटस लिखा होगा, उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबके स्टेटस आ गए हैं, नीचे पिक्चर्स आ गई हैं। तो मैं आपको किसी का स्टेटस, वही वाला स्टेटस ओपन करके दिखाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो वाला स्टेटस है। तो यहाँ पे नीचे आपको शेयर का ऑप्शन नजर आए, यहाँ शेयर कर सकते हैं आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या जिससे भी आप चाहें शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। और अगर कोई आपकी राय हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में।